नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सात के समाहार में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। आइए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर से। 5 जुलाई से आयोजित एकल ग्लोबल लर्निंग यात्रा 9 जुलाई को अयोध्या दर्शन के साथ समाप्त हुई। दुबई से आई 31 सदस्यीय टीम ने इस यात्रा में भाग लिया। इस दौरान वो सबसे पहले वाराणसी पहुंचे। वहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद एकल के कार्यों को देखा। इसके बाद वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने एकल विद्यालय सहसो और चाका में संचालित आईवीडी का दौरा किया। एकल के बच्चों की प्रतिभा देख एकल अभियान की सराहना की। हम आपके आंसू पोछेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम संतान है भारत माँ की, भारत वर्ष हमारा है। जी करती आई चिड़िया, जी जी करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई। चलिए बढ़ते हमारी दूसरी खबर की ओर। दक्षिण पूर्वोत्तर संभाग के शिलचर रथ आमरा घाट संच मनियर खाल ग्राम में एकल श्री हरि मंदिर रथ यात्रा का आयोजन हुआ। जगत के नाथ जगन्नाथ जी के विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा रथ यात्रा के पावन पर्व पर संपूर्ण ग्रामवासियों ने रथ पर विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भव्य स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ जी की आस्था का केंद्र मानते हुए ग्रामवासियों ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन और पूजन किया। उन्होंने गुंडीचा रथ यात्रा की तरह ही अपने हाथों से एकल श्री हरि मंदिर रथ को खींच कर रथ यात्रा का पर्व मनाया। चलिए इसी साथ बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर। एकल अभियान के अंतर्गत अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आयोजित तृतीय राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के लिए गांव-गांव में खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और चयन प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के खूंटी अंचल के चिकोरा रेवा बिरहू विद्यालय ग्राम में बच्चों में खेल के प्रति अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। सुबह सुबह गांव की पगडंडियों पर बच्चे दौड़ते नजर आते हैं और खेत खलिहान में कबड्डी और कुश्ती का अभ्यास करते हैं। गांव से चयनित खिलाड़ी अगस्त में संच की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अंचल की प्रतियोगिताएं सितंबर और अक्टूबर में होंगी। संभाग स्तरीय खेलकूद नवंबर में और राष्ट्रीय खेलकूद समारोह जनवरी 2025 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न होगा। चलिए इसी के साथ बताते हैं आपको चौथी खबर के बारे में। एकल अभियान आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया संभाग राजस्थान संच विराट नगर के बियावास संपूर्कित गांव शीशवालों की डांडी में 51 पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। बियावास महिला समिति द्वारा वृक्ष वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयोजिका पतासी सैनी, महिला समिति से राज देवी, लाली देवी, मेवा देवी, बिमला देवी और सेविका कोयल सैनी सहित अनेक ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी पांचवी खबर की ओर। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ अंचल में ठकारी संच के विद्यालय ग्राम अंजोल में एकल श्री हरि मंदिर रथ का भव्य स्वागत किया गया। गांव में प्रवेश करते ही भगवान श्री राम के रथ पर ग्रामवासियों ने श्रद्धा भाव से पुष्प वर्षा की और रथ का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात भगवान का पूजन और भव्य आरती की गई। ग्रामीण बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने भक्ति भाव से भगवान के भजनों का गुणगान किया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हमारी छठी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के महादेवपुर संच के भालुक बोना में सेविकाओं के लिए टेलीमेडिसिन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्याख्यान प्रदर्शन, समूह चर्चा, समूह साक्षात्कार, चित्र सहायता सहित प्रत्येक कार्यकर्ता से बातचीत की गई। इस प्रशिक्षण में डॉक्टर मुकुल भाटिया राष्ट्रीय मार्गदर्शक, डॉक्टर प्रफुल्ल साह सदस्य राष्ट्रीय प्रशिक्षण दल, श्री त्रिपुरारी परमाणिक और सुश्री संपा महतो की उपस्थिति रही। आरोग्य योजना के तहत दवाओं का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी के साथ बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की ओर। हरिद्वार के अखंड परम धाम में आयोजित एकल अभियान के केंद्रीय योजना वर्ग का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि योग विशेषज्ञ स्वामी साधनानंद जी ने सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। केंद्रीय अभियान प्रमुख श्री ललन शर्मा जी ने कहा कि एकल अभियान का काम राष्ट्रोत्थान का है। अभियान का लक्ष्य स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करना और उनके बताए मार्ग पर चलकर देश के गांव-गांव को शिक्षा और संस्कृति से संपन्न बनाना है। इस अवसर पर भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
श्री अखिल गुप्ता जी, कार्यक्रम अध्यक्ष अनिल कुमार जी, वर्क अधिकारी विनय बत्रा जी, मुख्य अतिथि प्रमोद अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं बीएचपी के सह मंत्री स्नेहपाल सिंह जी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन सह अभियान प्रमुख श्री खेमानंद साहब पोटा जी ने किया। समापन पर समिति द्वारा कार्यकर्ताओं को उपहार प्रदान किए गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एकल की कुछ और नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।